जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो डियर, कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि खाली जेब, भूखा पेट और टूटा दिल इंसान को जिंदगी के बेहतरीन सबक देते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी ये चीजें फेस की होगी, तो आप अपने तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। पहले ही प्रश्न लिया है कि किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया। कौन सा अभियान? ओपीएस क्लीन अभियान चलाया। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, किस स्टेट की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभ्यास या अभियान चलाया है। तो ये किसने चलाया डियर? ये चलाया है पंजाब राज्य की पुलिस ने। अगर सिंपल ये आ जाए कि भाई ओपीएस क्लीन अभियान किसने चलाया, पंजाब ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई पंजाब राज्य की पुलिस ने ये अभियान चलाया है। क्या आंसर होगा? पंजाब। चलिए तो पंजाब के बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं, जहाँ से कि स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको साथ साथ सीएम और गवर्नर भी कवर कराते हुए चल रही हूँ। बात करते हैं कि भाई पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है। क्या डियर, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये बताइए, आपको 3-4 ऑप्शन भी दिए हूँ, तो आप क्या लगाएंगे डियर? आप लगाएंगे भगवंत मान। कौन है? पंजाब के वर्तमान में सीएम है भगवंत मान जी। बात करते हैं गवर्नर की कि भाई गवर्नर कौन है पंजाब के वर्तमान में, गवर्नर कौन है? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है वर्तमान में पंजाब के गवर्नर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं गठन की कि भाई जो पंजाब राज्य है इसका गठन आखिरकार कब किया गया, तो आप गठन भी याद रखेंगे, एक नवंबर 1966 को। पंजाब का गठन कब हुआ था डियर? 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन किया गया था। अब ये सारी जानकारी तो हमने जान ली, आपको ये भी पता होना चाहिए भाई जो पंजाब है, पंजाब राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, पंजाब राज्य की राजधानी क्या है डियर? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये है चंडीगढ़। क्या है डियर? ये है चंडीगढ़। अगर आपसे किसी एग्जाम में जैसे मिलान में आ जाते हैं, एक तरफ राज्य दिए होंगे, एक तरफ अपने जो राजधानी है वो दी होगी, तो आपको मिलान करना है। जैसे पंजाब की राजधानी दे देंगे, सामने लिख देंगे भोपाल, फिर ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी लिख देंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कुछ और, तो ऐसे देंगे आपको एग्जाम में सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करें। तो डियर आप सभी को जितनी 28 स्टेट हैं अपने, 8 यूटी हैं, इनकी कैपिटल अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, ये है अमित शाह जी। इन्होंने क्या किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या है डियर क्वेश्चन? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मिनट रुकिए, तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है डियर? ये किया है जम्मू कश्मीर में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर अभी क्या बन गया है डियर? ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बना ये 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू को, जम्मू कश्मीर को? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सीएम की कि भाई जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है,
यहाँ पर सीएम कौन है? तो डियर यहाँ पर कोई भी सीएम नहीं है, यहाँ पर सीएम का जो स्थान है वो अभी रिक्त है। बात करते हैं उप गवर्नर की, किसकी डियर? बात करते हैं उप गवर्नर की कि भाई उप गवर्नर कौन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे उप गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। कौन है डियर? मनोज सिन्हा जी अभी जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर है, मतलब कि डिप्टी गवर्नर आ जाए ना तो आप लगाएंगे मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें विशेष ओलंपिक, क्या है? 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल सन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है डियर, ये किया गया है जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, जो 16 नंबर का विशेष ओलंपिक विश्व खेल सन 2023 है, इसका आयोजन आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ पर किया गया है, तो आप लगाएंगे जर्मनी। क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये है भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र फर्स्ट, भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लद्दाख में। क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना ने कहाँ अग्नि फर्स्ट, क्या है? अग्नि फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो डियर ये किया है लद्दाख में। अब लद्दाख के बारे में और जानकारी जानते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डियर सैन्य अभ्यास होते हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से हर बार ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। तो आपको साथ साथ ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास करा रही हूँ मैं, याद करते हुए चलना है। लद्दाख की बात करें डियर, तो लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब बनाया गया? डेट आपको याद रखनी है 31 अक्टूबर सन 2019 को। कब? 31 अक्टूबर सन 2019 को एक तो लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उपराज्यपाल की अगर बात करें कि भाई यहाँ के जो लद्दाख है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो आप ध्यान में रखेंगे बीडी मिश्रा जी। कौन है? बीडी मिश्रा जी। बात कर लेते हैं लद्दाख की राजधानी की, कि भाई जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? तो डियर इसकी राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं, जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन है। भारत फ्रांस प्लस यूएई, क्या है? भारत फ्रांस प्लस यूएई का पहला समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? कौन कौन से देश है? एक तो भारत है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा है यूएई। आगे क्वेश्चन है का पहला समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है ओमान की खाड़ी में। कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है ओमान की खाड़ी पे। आपको ऐसे दे देंगे बंगाल की खाड़ी में हुआ, अरब सागर में हुआ या ओमान की खाड़ी में हुआ, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये सैन्य अभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में। कौन सा? जो भारत फ्रांस और यूएई का पहला फर्स्ट, ध्यान में रखना है फर्स्ट समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, तो ध्यान रखें ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस राज्य के कारी इशाद आम को, किस राज्य के, किस स्टेट के कारी इशाद आम को जीआई टैग मिला? जीआई टैग से भी डियर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण जीआई टैग है, जो भी हाल ही में चर्चा में है, वो सब आपको याद करते हुए चलना है। बात हो रही है यहाँ पर कारी इशाद आम की, किसकी? कारी इशाद आम को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है या किस राज्य का है? ये है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2023, चौथा 4th नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। किसको मिला है डियर? ये मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब मध्य प्रदेश के बारे में पिछली करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अभी फिर समझा देती हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए, तो डियर राजधानी क्या है? राजधानी है भोपाल। राजधानी क्या है डियर? राजधानी है भोपाल। अगर बात करें सीएम की, मुख्यमंत्री कौन है, तो डियर मध्य प्रदेश राज्य के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है?
शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें गवर्नर की, जिसे कि हम राज्यपाल के नाम से भी जानते हैं, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या है, यहाँ के हैं गवर्नर। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है, एग्जाम में गवर्नर और सीएम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथ साथ जो वर्तमान में सीएम और गवर्नर है उनको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? क्या है क्वेश्चन कि भाई वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान को। आपको तीन चार ऑप्शन देंगे, ए दे देंगे मध्य प्रदेश को, बी दे देंगे उत्तर प्रदेश को, सी दे देंगे आंध्र प्रदेश, डी दे देंगे राजस्थान। तो आप सभी को ध्यान में रखना है पवन का आ जाए कि भाई वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता में वृद्धि, किसने ज्यादा वृद्धि की है, वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये राजस्थान को सम्मानित किया गया है। चलिए राजस्थान राज्य के बारे में और भी जानकारी हम डिटेल में जान लेते हैं। राजस्थान की अगर राजधानी पूछे तो सभी को पता होगा राजधानी है जयपुर। राजधानी क्या है डियर? राजधानी तो है जयपुर। बात कर ले गवर्नर की कि भाई गवर्नर कौन है, राजस्थान जो राज्य है इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कलराज मिश्रा। क्या है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत, आए दिन चर्चा में रहते हैं। बात करते हैं गठन की कि भाई जो राजस्थान राज्य है इसका गठन कब किया गया? तो गठन हुआ था डियर 8 मार्च 1756 को। कब? 1756 को जो राजस्थान राज्य है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है 16 जून सन 2023 भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत दो दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पिछले दो दशकों की भारत की सबसे बड़ी भीषण, मतलब कि भीषण बहुत ज्यादा भयानक ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ पर हुई? जब भी आपने कुछ समय पहले देखा होगा ना कि भाई तीन ट्रेन आपस में टकरा गई थी, तो ये कहाँ पर टकराई थी? ये ओडिशा राज्य में टकराई थी, ये ध्यान में रखना है। ओडिशा के बालसोर में, कहाँ? ओडिशा के बालसोर में ये तीन ट्रेन आपस में टकराई थी डियर, जिससे कि ना सिर्फ जान माल की हानि हुई और भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और माल की तो देखा जाए डियर जान की बहुत ज्यादा इसमें हानि हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। न्यूज़ में तो आप सभी को पता है अगर 1000 की डेथ होती है तो वो 200-300 बताते हैं, 200-300 की होती है, कई बार बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, कई बार घटा के बता देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता है। लेकिन तीन ट्रेन आपस में भिड़ी थी तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, ये बहुत ही भयानक दुर्घटना थी, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में थी। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भाई ये दो दशकों की सबसे भीषण रेल दुर्घटना थी, ये कहाँ पर हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा के बालासोर में। चलिए ओडिशा के बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे भुवनेश्वर। अगर बात करें राज्यपाल की कि भाई ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है, ये है गणेशी लाल, राज्यपाल है ओडिशा के गणेशी लाल। बात करते हैं सीएम की, सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक सीएम है। बात करते हैं राज्य का दर्जा ओडिशा को कब मिला, तो 1 अप्रैल 1936 को राज्य का दर्जा मिला था ओडिशा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो की है वन वर्ल्ड टीवी। क्या? वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है वाराणसी में। फटाफट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व एथलीट्स भाला फेंक रैंकिंग सन 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा जी। आई थिंक अब आपको याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये है नेपाल से। नेपाल के न्यू राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको ध्यान में रखना है, ये बने हैं रामचंद्र
कोंडेल, कौन बने हैं, या पूछ ले कि भाई वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र कोंडेल आपको नाम याद रखना है। राष्ट्रपति तो है रामचंद्र कोंडेल, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की भी कि भाई नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है पुष्प कमल दहल जी, पुष्प कमल दहल जी हैं पीएम, ध्यान में रखेंगे पीएम है पुष्प कमल दहल जी। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आप सभी याद रखेंगे रामचंद्र कोंडेल ठीक है। अब बात कर लेते हैं चलिए नेपाल में, भाई नेपाल की राजधानी क्या है, तो राजधानी सभी को पता होगी, नेपाल जो देश है उसकी राजधानी है काठमांडू। यहीं पर नेपाल में क्या है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पाई जाती है, जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अभी 2 मीटर बढ़ गई है, अभी 8850 मीटर हो गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है नेपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क के क्वेश्चन क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, क्या है डियर ये क्वेश्चन है, 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को आंसर जरूर देना है। पिछली क्लास में भी मैंने एक आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, और सारे कहाँ सो रहे हैं भाई, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जब आपको क्लास इतनी अच्छी लग रही है तो आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर देने का डियर प्रयास जरूर करना है, अगर आंसर नहीं दे पाते तो नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने वो चीज़ पहले कराई है तभी आपको होमवर्क में दिया है, तो या तो आप रिविजन नहीं कर रहे हैं है ना, या फिर क्लास को पूरी नहीं देख रहे हैं, कोई ना कोई तो रीज़न है, तो डियर आपको क्लास को पूरी देखना है, ये जो आज मैंने क्लास ली है यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। डेली हम ऐसे ही सारी करंट अफेयर को कवर करेंगे, जनवरी से लेकर जुलाई तक की हमने टारगेट रखा है कि भाई करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको कराए जाए, तो इस क्लास की और कल की क्लास की पीडीएफ मैं आपको शाम तक जैसे भी टाइम मिलता है आपको डाल दूंगी, आपको रिविजन करना है, अच्छे से क्लास को देखना है, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।